नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ और मैं हूं आदित्य झा। कई तरह की बातें चल रही हैं ट्विटर और भारत सरकार के बीच। कभी ट्विटर भारत के कुछ मंत्रियों के नाम के आगे से ब्लूटिक हटा देता है, तो कभी भारत सरकार लगातार ट्विटर के जो हेडक्वार्टर्स हैं उन पर छापे पड़वाती है और देखती है कि इनमें क्या कोई काला बाजारी चल रही है या कोई काला धन छिपाया गया है। इन सबके बीच कहीं ना कहीं एक तरह का टसल चल रहा है, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर के बीच में भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। फेसबुक के पर लगातार आरोप यह लगाते जा रहे हैं कि वह जो है राइट विंग पॉलिटिक्स, जो दक्षिणवादी राजनीति के लोग हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ट्विटर पे एलिगेशन लग रहे हैं कि इन्होंने लेफ्ट विंग को बढ़ावा देने का काम किया है। हालांकि ट्विटर इससे बचते रहा है, वो बार बार कहता है कि अगर कोई लेफ्ट विंग में भी अगर कोई ऐसी भ्रामक खबरें फैलाता है जिससे कि लोगों में जो सोशल हारमनी है वो बिगड़ेगी, तो ट्विटर उन पर भी एक्शन लेगा। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि ट्विटर ऐसा करने से हिचकिचाता है और राइट विंग पर जल्दी एक्शन लेता है। अब जैसे कुछ एग्जांपल ही लेते हैं कि कंगना रनौत को ट्विटर ने बैन कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर ने बैन कर दिया, अभी पिछले कुछ दिनों पहले वेंकैया नायडू के नाम के आगे से ब्लू टिक को हटा दिया गया था, फिर मोहन भागवत के नाम से भी ब्लू टिक हटा गया, फिर बाद में उन्हें जोर भी दिया गया। तो इस तरह की जो चीज़ें वो सामने आई और इसके बदले सरकार भी कई जगह पे ट्विटर के जो हेडक्वार्टर्स हैं उन पर जो है कि जांच करवा रही है, उन पर धावे बोल रही है, तो इस तरह की कवायतें चल रही हैं। इसी बीच बड़ी खबर आई नाइजीरिया से, जहाँ पे नाइजीरियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को तो बैन किया ही, इसके अलावा नाइजीरिया ने कू ऐप पर अपना अकाउंट बनाया, यानी कि कू ऐप जो कि भारत का ट्विटर कहा जाता है, कि कू ऐप पर उन्होंने अपना अकाउंट बनाया और अब वहीं से सारी चीज़ों का वो डील करेंगे। इसकी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बड़ी बड़ाई की है, उन्होंने कहा कि ऐसा ही होना चाहिए, सारी सरकारों को मिल करके सोचना चाहिए। नाइजीरिया कोई छोटी देश नहीं है, लगभग 20 करोड़ की आबादी वाली नाइजीरिया का ये स्टेप एक तरीके से बहुत बड़ा माना जा रहा है और शायद ट्विटर को इससे बैकफुट पर जाना पड़े। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं हूँ आदित्य झा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।